अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सेटअप। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मुझे कल किसी वजह से ट्रैवल करना पड़ा। आई मीन बहावलपुर, तो ये सेशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, लेकिन बाकी मेरी टीम जो है वो ज़ेवन सॉल्यूशन में है, ऑफिस में है, और ये लेक्चर रूटीन में जाएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में ज़्यादातर रोल द ग्रेट सर हारिस का था। जी बिल्कुल। पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है पाइथन का वो देंगे बच्चों को जो अभी तक हमने रिव्यू दिया, क्योंकि कई लोग मैंने कमेंट्स में देखा था कि वो बाज़ दफ़ा लेक्चर उनसे मिस हो जाता है, तो हम इसलिए 5 मिनट का एक रिव्यू उनके लिए रखते हैं ताकि वो अप टू द स्पीड आ जाए। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं डॉक्टर साहब, थोड़ा सख्त है लेकिन मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग की, हम बात कर रहे हैं इनिशिएटिव्स की, हम बात कर रहे हैं उन लोगों के जो ज़िंदगी को सीरियस से लेते हैं, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो डेस्परेटली कुछ बनना चाहते हैं। अगर कोई ऑप्शनली कुछ बनना चाहता है, बन गया ना बना ना सही, ठीक है। अगर कोई लाइव लेक्चर को जाके दोबारा नहीं देख सकता यूट्यूब पे, और फिर हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में डाले उनको भी नहीं देख सकता, तो यकीन करें 5 मिनट में हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ये बात 5 मिनट सही आप उन लोगों के ले रहे हैं जो जिंदगी में बहुत सीरियस है और यहाँ सीखने आए हैं, तो उन लोगों के 5 मिनट आप लेके उन लोगों को दे रहे हैं जो जिंदगी में नॉन सीरियस हैं। तो बेसिकली नॉन सीरियस लोग जाते हैं, एकेडमीज ज्वाइन करते हैं जहाँ कोई बंदा डंडा लेके खड़ा होता है। यहाँ पे सेल्फ लर्निंग जो करना चाहता है, जो खुद से सीखना चाहता है, जो ये समझता है कि मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है, मैं खुद से सीख सकता हूँ, जो कि अल्लाह ने सबको दी है, तो ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए है। और हमेशा हम इस तरह से इंशाल्लाह चलते रहेंगे जब तक अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। सो गो अहेड। आई'ल टेक कपल ऑफ मिनट्स फॉर रिकैप। अभी तक हमने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई जो है उसकी फाउंडेशंस डिस्कस की थी, और हमें पता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक सब बातें। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सबसे वेल रिकग्नाइज टूल था वो पाइथन था। हमने पाइथन जो है उसकी बेसिक्स वेरिएबल से स्टार्ट किया, उसके बाद हमने उसके डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे जो सिंपल मैथमेटिक्स जिसे प्लस माइनस एडिशन और डिवीजन कहते हैं, वो ऑपरेटर्स हमने पिछली बार डिस्कस किए थे। उसके बाद फिर हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे। रिलेशनल मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बड़ा है, छोटा है, बराबर है, तो यही वाले रिलेशनशिप्स जो हैं, जो फैमिली में रिलेशनशिप्स होते हैं वही पाइथन या बाकी लैंग्वेजेस में भी होते हैं। तो हमने लेस देन, इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। और इनकी डिस्कशन की एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये थी कि जब हमने इफ स्टेटमेंट बाद में पढ़ी थी तो मैंने बताया था कि इफ स्टेटमेंट हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर्स पे बेस करती है, और इफ स्टेटमेंट हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स यानी बूलियन आंसर देती है। तो वो बूलियन आंसर की बेस पे, इफ बूलियन आंसर ट्रू है तो आप एक काम करते हैं, अगर बूलियन आंसर फॉल्स है तो आप दूसरा काम करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमने फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स सारे डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एंड और नॉट के जो ऑपरेटर्स थे उनके बारे में डिस्कशन की थी कि इन्हें हम कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हमने फिर पाइथन का एक फीचर डिस्कस किया था जिन्हें कलेक्शंस कहते हैं। वेरिएबल्स में हमने देखा था कि हम सिर्फ एक चीज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन कलेक्शंस में हम मल्टीपल चीजें स्टोर कर सकते हैं। तो हमने 4 डिफरेंट कलेक्शंस पाइथन में डिस्कस की थी। हमने बात स्टार्ट की थी लिस्ट से। लिस्ट में हमने देखा था कि रिलेटिव पोजीशन से आप चीजों को देखते हैं, डिफरेंट टाइप की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें आप डाल सकते हैं, जैसे आप इंटीजर डाल सकते हैं, आप स्ट्रिंग डाल सकते हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट डाल सकते हैं। अच्छा, ये लफ्ज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लफ्ज़ों से आपके जेन में एक बेल बजनी चाहिए कि यार ये सुने सुने लगते हैं। तो ये लफ्ज़ बार बार बोलने का एक फायदा ये होता है कि आपका माइंड ट्यून हो जाता है कि अच्छा यार ये लफ्ज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं एंड दे हैव सम मीनिंग, तो इसलिए ये लफ्ज़ हम बार बार बोलते हैं। तो लिस्ट के अंदर हमने देखा था कि हम डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जो हैं या डिफरेंट डेटा टाइप्स जो हैं वो पैक कर सकते हैं, और लिस्ट की खास बात ये थी कि आप लिस्ट को एक दफा इनिशियलाइज करने के बाद चेंज कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को मैंने कहा था कि इसे हम कहते हैं म्यूटेबिलिटी।
म्यूटेबिलिटी का मतलब है कोई चीज बनाने के बाद आप बदल सकते हैं। फिर हमने दूसरी जो कलेक्शन डिस्कस की थी दैट वाज टपल। टपल को आप यूं समझें कि आपकी अम्मी ने आपको एक शॉपिंग लिस्ट दी है और आपने जाके वो चीजें लानी है। अम्मी की बनाई हुई शॉपिंग लिस्ट आप में से किसी में जरूरत नहीं कि वो बदले। तो इसीलिए जो कलेक्शन है वो आपकी अम्मी की दी हुई शॉपिंग लिस्ट है, आपने वो सारी चीजें लेके आनी है, कुछ डॉक्टर मिस साहब, नहीं मुझे होगी। लगता है अम्मी आप एहतियातन बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, इसकी जगह और भी काफी सारे रिलेशनशिप्स आ सकते हैं। सो यू आर वेरी राइट। सो कलेक्शन की खास बात ये कि इम्यूटेबल होती है, जैसे वो घर वालों की दी हुई लिस्ट इम्यूटेबल होती है, तो आप इसे बनाने के बाद बदल नहीं सकते। उसके बाद हमने जो अगली कलेक्शन डिस्कस की थी दैट वाज सेट। सेट में एक खास बात है कि जब भी आपने कोई डुप्लीकेट चीज आपको नहीं चाहिए ना, आप उसका सेट बना दो। सेट में ना कोई रिलेटिव पोजीशन है, ना कोई डुप्लीकेशन है, और जब भी आप सेट को प्रिंट करेंगे तो वो एक डिफरेंट ऑर्डर में चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि इनहेरेंटली कोई ऑर्डर है ही नहीं। सेट जो है उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, वो अनऑर्डर्ड होता है। और आखिरी जो कलेक्शन इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की थी दैट वाज डिक्शनरी। अच्छा, डिक्शनरी बड़ा मजे का एक कलेक्शन है। डिक्शनरी की सबसे बड़ी एग्जांपल आपके फोन के अंदर कॉन्टेक्ट्स हैं। आपने फोन में सेव किया है शिराज, आपने नाम तो नहीं सेव कर रहा था ना, आपने तो उसका नंबर सेव करना था। आप सर्च क्या करते हैं? शिराज। आता क्या है? फोन नंबर। सो ये जो फोन के कॉन्टेक्ट्स हैं ना, ये एक डिक्शनरी है। आप सर्च करते हैं हारिस, हारिस का नंबर आता है। आप सर्च करते हैं इरफान, इरफान का नंबर आ जाता है। सो एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट जो है पाइथन में हम डिक्शनरीज के थ्रू यूज करते हैं कि अब ये नाम जो था आपके फोन में ये की था, और जो फोन नंबर सेव था वो उसके अगेंस्ट वैल्यू था। तो यही की वैल्यू, यानी कि आपने की बेस्ड पे जो चीजें ढूंढनी है उनकी वैल्यू, इसके लिए फिर हमने डिक्शनरीज यूज की थी। तो ये चार कलेक्शंस हमने डिस्कस की थी, और आज फिर हम इधर से आगे चलते हैं और हम जो आइट्रेटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं, मुश्किल लफ्ज है लेकिन बोलना जरूरी है ताकि आपकी लैंग्वेज डेवलप होती रहे। आइडिया ये कि कोई काम आपने बार बार रिपीट करना है तो बजाय डंकी वर्क के 10 दफा एक चीज लिख दो, आप उसको इंटेलिजेंटली लैंग्वेज को यूज करते हुए कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ओवर टू हारिस। जितनी चीज़ें अभी आपके साथ डॉक्टर साहब ने आप लोगों को ओवरव्यू दिया, रिवाइज करवाई हैं, इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है। वो पर्पस ये है कि जो बच्चे पहली दफ़ा ये पाइथन सीख रहे हैं और ये कोर्स ले रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो चीज़ें अभी हमें सिखाई जा रही हैं इनकी कोई हमारे पास सीक्वेंस नहीं बन रही है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ पढ़ी है, ये चीज़ पढ़ी है, इसका क्या फ़ायदा है। अभी मैंने इसको आगे हमारे पास आज नए टॉप कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो हमने उनको किस तरीके से यूज़ करना है, परेशानी परेशानी में चले जाते हैं। उसका सिंपल सा ओवरव्यू देने का आपको पर्पज़ ये था कि ये जो आपने अभी हमने आपसे डिस्कस की ये चीज़ें, आज का कॉन्सेप्ट, आज के लेक्चर के बाद होपफुली हमने जो आज अपना टारगेट सेट किया है हम उसको मीट कर जाएंगे। और उसमें मैं आपको आज का एजेंडा बता दूं इसी बात के साथ कि आज हम लोग पाइथन के अंदर सबसे पहले देखेंगे लूप्स क्या होते हैं, पाइथन में लूप्स किस तरीके से वर्क करते हैं और कौन कौन से लूप्स हैं। और इसके बाद हम लोग आगे मूव कर जाएंगे अपने जो बिल्ट इन यूजर डिफाइंड फंक्शन में। पहले हमने आप लोगों को बिल्ट इन फंक्शंस बताए थे पाइथन में, अब हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की तरफ मूव कर देंगे। और होपफुली यूजर डिफाइंड फंक्शंस के ऊपर हम आज आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर करवा देंगे ताकि इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस हवाले से कि आप लोगों ने आज तक के लेक्चर की प्रॉपर प्रैक्टिस करके आनी है। जो पिछले आपके पाइथन के बेसिक्स के लेक्चर हुए हैं और आज का लेक्चर, ये एक कंबाइंड पैकेज होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अगला लेक्चर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है और उससे फायदा उठाना है। तो फायदा तब आप लोग तभी उठाएंगे जब आप लोगों ने पिछले जितने स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लिए होंगे। तो इस चीज को ध्यान से आप लोगों ने आज भी समझना है। और आप लोगों की आसानी के लिए सबसे आसान अच्छी जो चीज है वो ये है कि सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे पड़े हैं और उनको मजीद अच्छा एडिट करके आप लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी में दोबारा उनको जो है ना आप लोगों को दिया जा रहा है। तो इस फैसिलिटी को अगर फिर भी फायदा ना उठाया जाए तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होगी, बट
आपको सारे इरफान से डांट पड़नी बिल्कुल। चाहिए। तो फिर आज शुरू करते हैं, जो है बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आपके पास एक टास्क आ रहा कि जी आपने एक मैसेज डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर। आपने क्या किया, प्रिंट स्टेटमेंट ली, प्रिंट स्टेटमेंट में वो मैसेज लिखा और आपने उसको एग्जीक्यूट किया, वो स्क्रीन पे आपके सामने प्रिंट हो गया। अब आपके पास एक बंदा आता है, वो कहता है जनाब ये जो मैसेज आपने एक दफा मुझे डिस्प्ले करके दिखाया है, ये मुझे 100 दफा डिस्प्ले करवाना। अब इसका एक हल आसान सा तो ये है जो बहुत से बच्चों के माइंड में आएगा कि जनाब आप क्या करें, 100 दफा प्रिंट स्टेटमेंट में तो 100 दफा मैसेज लिखें, 100 दफा चला दें। कोई अल्लाह का बंदा इतना मेहनती है कि वो ये भी कर देता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसको कहा जाता है जनाब एक दफा 1 लाख दफा चलाना, 1 लाख दफा ये मैसेज डिस्प्ले करना है। मैसेज डिस्प्ले करना ये एक बड़ा छोटा सा टास्क है, बहुत छोटा सा। प्रोग्रामिंग में चल के आगे जाके बहुत से ऐसे काम आते हैं जो आपको रेपिटेटिवली बहुत ज्यादा दफा करने होते हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कुछ बच्चे जो इस टाइम परेशान हो रहे हैं उनके लिए एक आसान एग्जाम्पल दे देते हैं कि जो शेफ है, ठीक है, होटल के अंदर एक शेफ है, उसने एक रेसिपी तैयार करनी है, ठीक है, आपको एक डिश तैयार करके देनी है। हर दफा उसके स्टेप सेम होंगे वो डिश बनाने के लिए, हर दफा उसकी आउटपुट सेम होगी, ठीक है। तो वो शेफ क्या करता है, हर दफा सेम इंग्रेडिएंट्स सेम वे में सेम मेथड्स के साथ जिस तरह उसने पहले बनाए थे यूज करता है, अपनी डिश को प्रिपेयर करता है और सेम आउटपुट हर दफा वो जनरेट कर देता है। बट अब आपके पास रियल लाइफ में तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना कि आप शेफ को रिप्लेस कर दें, ठीक है, हो मे बी पॉसिबिलिटी कोई मशीन बना दी जाए जो शेफ को रिप्लेस कर दे, एक स्पेसिफिक डिश आपको बना के दे दे। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आपको ये फैसिलिटी है कि आपने एक टास्क जो बार बार करना है, बजाय उसको आप कोड को बार बार लिखें, अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, अपना जो कोड है वो एक्सेसिव कोड, बिला वजह का कोड, गैर जरूरी कोड अपना लिखेंगे, उसको अवॉइड करने के लिए आपके पास लूप होते हैं, ठीक है। लूप एक साइकिल में चलते जाना, एक चीज का बार बार रिपीट होते जाना सेम चीज का, ठीक है। तो ये लूप का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से अगर मैं इसको इसकी एक डेफिनेशन आपके सामने में लिखी हुई, प्रोग्राम लूप इज अ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट अलाउज अ रिपीटिशन ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम। आप एक इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, ये 10 दफा चला दो, आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, एक से ज्यादा टास्क भी दे सकते हैं जो आपने बार बार चलाने हो। अब ये जो मैंने आपसे बात की थी, ये मैंने एग्जांपल दी हुई कि जनाब मैंने हेलो वर्ल्ड जो है वो 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, तो मैंने एक कॉमन वे जो एक एक जो बिगिनर के जेहन में एक सोल्यूशन आएगा वो ये है कि आपने उसको 10 दफा प्रिंट कर दिया। बट अब ये जो सेल है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मेरे पास सिर्फ 2 लाइन्स का कोड है, ऊपर मेरे पास 10 दफा मैंने 10 लाइन्स का कोड था सेम काम के लिए, अब मेरे पास सिर्फ 2 लाइन्स का कोड है और वही रिजल्ट मेरे पास आ रहा है। अब आपने इससे परेशान नहीं होना ये क्या लिखा हुआ है, ये आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, लेकिन मकसद आपको दिखाने का ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उस पे ध्यान देके, थोड़ा सा सोच के और जो पाइथन ने आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं वो यूज करके अपना काम, अपना टाइम सेव कर सकते हैं, काम बेहतर कर सकते हैं और जो आपका कोड है वो भी बड़ा कंसाइज और खूबसूरत बन जाएगा। अब इस कोड को जो है वो आपके सामने डायसेक्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। सबसे पहले पाइथन जो है वो आपको 2 किस्म के लूप्स प्रोवाइड करता है, फॉर वाइल, ठीक है, वाइल पे बाद में आते हैं, पहले फॉर पे डिस्कस करते हैं। आपके पास अब ऐसा काम है जो आपने रिपीट करवाना है, बार बार रिपीट करवाना है और आपको ये भी पता है मैंने कितनी दफा करवाना है,
ठीक है, जब आपको ये मालूम हो कि आपने एक काम, एक टास्क स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट करवाना है, तो आप फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है, फॉर लूप यूज करते हैं। अब फॉर लूप यूज करने की खास वजह, फॉर लूप यूज करने की खास वजह यह है कि फॉर लूप आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सहूलत देता है कि आप 10 दफा एक काम करवाना चाहते हैं तो आप उसको ये बता देंगे कि ये चीज 10 दफा करनी है, तो वो 10 दफा ही करके देगा। ठीक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अब इसके सिंटैक्स के ऊपर आते हैं। सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले आपने, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जब सिंटैक्स को फॉलो कर रहे होते हैं, और एक एक इसको इस तरीके से देखें कि अगर आपके पास भी कोई बंदा आए और वो आपसे कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहे, तो आपको पहले वो कॉन्टेक्स्ट बताएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने कॉन्टेक्स्ट बताना है। वो किस तरह पता चलेगा, कीवर्ड से पता चलेगा, वो है कीवर्ड फॉर का। जब आप फॉर का कीवर्ड यूज करेंगे तो लैंग्वेज को पता चल जाएगा कि आप फॉर लूप यूज होने वाला है। अब जब उसको ये पता चल जाएगा, तो वो अब आपसे कुछ सर्टेन जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको अब ये सर्टेन स्ट्रक्चर देंगे। अगर आप नहीं देंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। अब इसके बाद आगे एक वेरिएबल लिखा हुआ है आई। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आगे आके, और आगे लिखा हुआ है इन। ठीक है, फिर आगे एक फंक्शन लिखा हुआ है बिल्ट इन रेंज, और उसमें एक वैल्यू दी हुई है। अभी आपने इस चीज को भूल जाना है, ये जो हिस्सा मैं आपके सामने हाईलाइट करने लगा हूं कि फ्रॉम आई टू, ये मैं पोर्शन हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, ये पोर्शन को भी आपने इसकी फिक्र नहीं करनी कि ये क्या कर रहा है। ये समझ लें कि ये आपने उसको बता दिया कि जो आपने जितनी दफा आपने कोई काम चलाना, उसके आगे मैंने सेमी कॉल सॉरी कॉलन डाल दिया। ठीक है, क्या कर दिया, कॉलन डाल दिया। जैसे आप ये हाँ डाल देंगे और उसके बाद आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो ये जो मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के फौरन बाद जो मेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है वो इंडेंट होके ऑटोमेटिकली आएगी। इस इंडेंटेशन का क्या मकसद है, इसका पर्पस ये है, ये आपको ये बताती है कि ये जो फॉर लूप है, जब ये जो टास्क परफॉर्म करेगा वो कौन सा वाला टास्क परफॉर्म करेगा, वो कॉलन के फौरन बाद जो कोड आपने इंडेंट करके लिखा हुआ है ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। सपोज इसी लाइन ऑफ कोड को मैं, अच्छा, मैंने सिर्फ ये ऐड करना है कि इंडेंटेशन ना बाज लोगों के लिए एक नया वर्ड हो सकता है। तो इंडेंटेशन का मतलब ये है कि आप जब कॉलन के बाद अगली लाइन है ना, वो 3 स्पेसेस के फासले पे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। पाइथन जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि अगर आप एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो वो फॉर के रिजर्व्ड वर्ड वाली स्टेटमेंट और कॉलन लगाने के बाद जिस चीज को फॉर ने रिपीट करना है ना, वो 3 स्पेसेस के बाद होनी चाहिए, जैसा कि इधर हमें नजर आ रहा है। बस ये जनरल सा आइडिया। अब इसकी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए क्या किया कि मैंने सेम लाइन ऑफ कोड नीचे कॉपी किया और उसके अंदर मैंने डिफरेंस क्रिएट करने के सिर्फ हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो पाकिस्तान कर दिया। अब क्या होगा कि कोड जब वो एग्जीक्यूट करेगा, तो जो ब्लॉक ऑफ कोड, जो लाइन ऑफ कोड हमने इंडेंटेशन के बाद, ये लाइन ऑफ कोड हमने इंडेंटेशन के बाद दी थी, तो उसने उसको ही सिर्फ 10 दफा कंसिडर किया है, हेलो पाकिस्तान को नहीं किया। जस्ट मैं अगर ये कर दूं कि मैं जो है वो उसको इंडेंट कर दूं और देन एग्जीक्यूट कर दूं, तो वो क्या करेगा, उसने वही टास्क को आप कंसिडर कर लिया कि ये दोनों स्टेटमेंट्स मैंने 10 10 दफा करनी है, और जिस ऑर्डर में देंगे उसी ऑर्डर में वो करेगा। ये आप आपने जहन में रखना है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखते हुए जो लूप है वो उसको यूज करना है। अब वो वाला जो आपका एक पोर्शन है फॉर लूप का, वो अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, ये मैं आपको इंटेंशनली अभी पेंडिंग पे रख रहा हूं, और मैं आपको आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा। अब आपने लास्ट लेक्चर में जो कलेक्शंस पढ़ी थी, जिसमें लिस्ट थी, सेट्स थे, टपल्स थी और डिक्शनरीज थी, आप
उसके ऊपर भी, उसके साथ भी फॉर लूप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने एक सिंपल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो इनिशियलाइज करवाई और उसको एक वेरिएबल जो है फ्रूट्स का उसमें मैंने स्टोर करवा दिया। मैंने क्या करना है कि मैंने इस लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स को अपनी स्क्रीन पर प्रिंट करना है, ठीक है। अब उसको प्रिंट करने के लिए एक तो आपको हम बताया था कि आप सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लें, उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, प्रिंट फंक्शन के अंदर उसको उस लिस्ट को पास कर दें तो वो आपको प्रिंट कर देगा। तो डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। ये मैंने नीचे किया हुआ है कि वही जो ऊपर वाली आपके पास लिस्ट थी वो मैंने नीचे सिंपल एग्जीक्यूट की हुई है, ठीक है, और मेरे पास लिस्ट शो हो रही है। तो डिफरेंस ये है कि जब आप उसको पास कर देंगे पूरी लिस्ट को और प्रिंट करवा देंगे तो आपके पास तमाम एलिमेंट्स जो मौजूद थे वो कलेक्टिवली प्रिंट होंगे, ठीक है। जब आपको इंडिविजुअली कोई आइटम चाहिए उसके लिए आप लूप यूज करेंगे। तो लूप के लिए आपका पहला रिजर्व, जो आपका रिजर्व वर्ड था फॉर एक्स, ठीक है। अब ये एक्स से थोड़े से बच्चे फिर कंफ्यूज होंगे, इस पे आते हैं। इन किस में देखना है, फॉर, ठीक है, एक्स। एक्स की जगह मैं कर देता हूं कोई आसान वर्ड आप लोगों के लिए मजीद कर दिया जाए तो मैं इसको बल्कि इस तरह करते फॉर आइटम, ठीक है, आइटम कर दिया आसानी हो जाएगी। फॉर आइटम कि आपने क्या करना है, आइटम देखना है किस में से, वो कैसे बताना है, इनका कि आपने वर्ड यूज करना है रिजर्व वर्ड, किस में से देखना है, लिस्ट जो आपको चाहिए जिसमें से देखना है वो उसका आप जो है वो वेरिएबल यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। फ्रूट्स आपने आगे कॉलन लगा दिया, ठीक है, कॉलन से उसका स्कोप डिफाइन हो गया कि इस कॉलन के फौरन बाद जो भी मेरे पास लाइन ऑफ कोड आएगा वो हम उसको उसके ऊपर लूप अप्लाई हो जाएगा। अब ये मुझे नीचे जो वेरिएबल एक्स है इसके ऊपर अंडरलाइन, येलो सा अंडरलाइन शो रहा है, इफ यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि मैं दे रहा हूँ प्रिंट फंक्शन के अंदर वेरिएबल एक्स, बट मेरे पास ऊपर कहीं पे भी वेरिएबल एक्स मौजूद नहीं है तो उसको नहीं पता चल रहा कि ये वेरिएबल एक्स किधर से आ रहा है, इसलिए वो उसको अंडरलाइन कर रहा है। तो मैं सिंपल ये करता हूँ कि आपके पास जो ऊपर वेरिएबल मैंने आइटम्स लिया था वो आइटम्स मैं इधर उसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो मेरे पास इंडिविजुअली हर आइट्रेशन पर फर्स्ट पे वो आएगा, पहले वो एप्पल उसमें से आइटम पिक करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा, सेकंड टाइम पे वो बनाना कर देगा, फिर वो चेरी कर देगा। ओके, अच्छा इधर एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जब भी हम किसी कलेक्शन में से एक एक चीज लेते हैं तो हम प्रोग्रामिंग में उसको कहते हैं उस कलेक्शन को आइट्रेट करना, आइट्रेशंस और आइट्रेट करना। तो फॉर लूप जो है वो कोई भी कलेक्शन जब हम देते हैं उसके ऊपर आइट्रेट कर सकता है। तो फॉर लूप को यूं समझें कि ये एक आइट्रेटर है, किसी भी कलेक्शन में से इंडिविजुअल चीज़ें निकाल निकाल के प्रिंट कर सकता है या उन पे कोई भी आपकी मर्जी का ऑपरेशन कर सकता है। ओके, मूव करते हैं आगे। तो आगे चल के मैंने क्या किया कि ऊपर मैंने एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स बनाई थी, ठीक है, अब मैं आपके सामने एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बना दी कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जस्ट टू गिव यू गाइस एन एग्जांपल कि आपके पास किसी भी किस्म की किसी भी डेटा टाइप की लिस्ट हो आप उसके ऊपर सेम वे में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट को आप रिप्लेस कर दें टपल से, इस लिस्ट को आप रिप्लेस कर दें सेट से, ठीक है, वो उसी सेम वे में काम करेगा। तो इसमें भी मैंने क्या किया है कि फॉर एक्स इन माई लिस्ट, ठीक है, इस एक्स को आप किसी भी एलियस, अब इसको मैं आसान वर्ड किसी भी जिसे कहते हैं ना नाम से जाहिर कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऊपर भी मैंने एक्स यूज किया था, यहाँ पे भी मैं एक्स यूज कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर नंबर्स इन माय लिस्ट, इसको नंबर कर दे क्योंकि एक ही आएगा ना। ओके, फॉर नंबर इन माय
लिस्ट कि मेरी लिस्ट में जो नंबर हैं ठीक है वो आपने प्रिंट करवाने हैं अब, और जो आप जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिस नेम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही नेम आपने प्रिंट जो आपका फंक्शन है उसी में उसको पास करना है। तो अब वो उसको आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इसी तरीके से अब आपके पास ये एक स्ट्रिंग है ठीक है, आपने कुछ नहीं किया सिर्फ आपने एक सिंपल स्ट्रिंग दे दी उसको फॉर लूप, तो वो क्या करेगा वो उसको एज अ कलेक्शन कंसिडर करता है और कंसिडर करने के बाद क्या करेगा ईच जो करेक्टर है उसको इंडिविजुअली आपके पिक करता जाएगा और आपके सामने वो डिस्प्ले करता जाएगा। तो ये आपके पास ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, आपके पास आउटपुट भी आ रही है कि ये अलग अलग लाइन में जो डिस्प्ले हो रहा है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है, इसका 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 जो कहने बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है कि वो एक एक एलिमेंट को अलग अलग कर रहा है। तो इस चीज का आपने डिफरेंस याद रखना है। ओके, जो आपका फॉर लूप का पार्ट था जो मैं ऊपर छोड़ के आया था पर्पसली कि आपको नीचे आके उसके बारे में बताया जाएगा, वो इसलिए कि उसमें एक फंक्शन यूज हो रहा था रेंज का ठीक है, तो रेंज का फंक्शन आपको बताया नहीं था इसलिए मैंने ऊपर आप लोगों को वो पूरा ब्लॉक बताया नहीं। तो अभी तक हम फॉर लूप के जो स्ट्रक्चर जो हमें पता चल गया वो ये कि फॉर का हमने रिजर्व वर्ड यूज करना है, उसके बाद आके आपने वो नेम फॉर रिप्रेजेंटेशन देना है जिस भी चीज में से आप आइट्रेट करवाना चाहते हैं, और आगे आपने इनका रिजर्व वर्ड यूज करना है, देन इसके आगे अब आपकी मर्जी चलती, इतने पोर्शन के बाद अब आपकी मर्जी चलती है, आप यहाँ पे लिस्ट दें, टपल दें, कोई भी कलेक्शन दें, या आप कोई एक स्पेसिफिक रेंज दे दें, कोई वैल्यू दे दें कि मुझे काम कर दो, काम आप नीचे बता रहे हैं ठीक है, कॉलन के बाद जो इंडेंटेड ब्लॉक है, इंडेंटेड लाइन ऑफ कोड है उसमें बता रहे हैं, लेकिन आपने ऊपर उसको ये तो बताना है ना कि कितनी दफा काम करना है, ये बताने के लिए आपको उसको कोई नंबर देना पड़ेगा। नंबर आपने आपने किस तरीके से देना है, रेंज का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हुए, रेंज का फंक्शन बेसिकली काम किस तरीके से करता है। रेंज के अंदर मैंने यहां पे आपके सामने लिखा हुआ 8 ठीक है, अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये क्या करेगा, ये चलेगा 1 से लेकर 8 तक, बट ऐसा नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 अप टू सॉन कहां तक जाएगा, 7 तक, 8 माइनस 1 जिसे हम आम समझाने के लिए जो कह रहे थे एन माइनस वन ठीक है, कि जो वैल्यू आप देंगे उससे एक कम वैल्यू के ऊपर ये स्टॉप कर जाएगा, इसकी वर्किंग वहां तक होगी ठीक है। तो मैंने सिंपल क्या किया कि मैंने फॉर आई इन रेंज, मैंने रेंज दे दी 8, तो अब इसको से लेकर 7 तक जो है वो नंबर्स को प्रिंट होना चाहिए था, और प्रिंटिंग में अब इंपॉर्टेंट यह है कि अब आप नीचे काम उससे क्या करवाते हैं, काम अगर आप इससे करवाते हैं कोई इधर क्या कहते हैं स्ट्रिंग दे देते हैं तो वो उसको उतनी दफा स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, अगर आप यहाँ पे वही रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो आपने ऊपर ली थी तो वो क्या करेगा हर दफा जब लूप चलता है ठीक है। ये बात अब आपने ध्यान से सुननी है कि जब भी लूप चलता है तो उसको मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक चलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं पर ये काउंट रख रहा है कि मैं कितनी दफा चलना है, कितनी दफा मैं चल चुका हूं ठीक है। तो ये जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन होती है ना बेसिकली ये हर एक आइट्रेशन का काउंट होता है काइंड ऑफ ठीक है। मिसाल के तौर पर कि अब रेंज का फंक्शन जब ये पहली दफा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आई के अंदर उस टाइम वैल्यू मौजूद होगी 0 ठीक है, नेक्स्ट टाइम वैल्यू जो आपका फॉर लूप है वो उसको अपडेट कर देगा कि मैं एक दफा चल चुका हूं ठीक है, तो वो उसको 0 काउंट कर लेगा, देन 1 काउंट कर लेगा, देन 2 काउंट कर लेगा, तो वो काउंट अपने पास रखता जाता है। अब आपने क्या किया वो काउंट साथ प्रिंट करवा दें ठीक है, तो वो प्रिंट करेंगे तो आपके पास रेंज की जो वैल्यूज थी जो आई में मौजूद थी वो आपके सामने 0 से लेकर 7 तक वो डिस्प्ले हो गई। अच्छा, इसे देखने का ना एक और आसान सा तरीका ये है कि आप यूं समझें कि जब आप रेंज 8 लिखते हैं
तो आपके पास एक कलेक्शन बन जाती है जीरो से लेके 7 चीजों के, ठीक है। और जब आप फॉर के बाद जो जो भी आप नाम दे रहे हैं वो उस कलेक्शन में से वो इंडिविजुअल चीज है जो फॉर ने पहले उठाई। तो इसका मतलब है कि जब आपने रेंज 8 लिखा, आपके पास एक कलेक्शन बन गई 0 से 7 तक फॉर आई। अब आई में सबसे पहले फॉर ने कलेक्शन में से पहली चीज क्या उठानी है, 0। तो उसने नीचे फिर 0 प्रिंट कर दिया। फिर फॉर, मैंने बताया था ना कि फॉर आइट्रेट कर रहा है इस कलेक्शन को, तो 0 के बाद फॉर अगली चीज पे जाएगा, अगली चीज 1 है, आई में 1 आ जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर फॉर दोबारा आगे चला जाएगा, यानी आइट्रेट करेगा आगे को, 2 पे पहुंच जाएगा, उस फर्जी लिस्ट में से 2 प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह उस जो रेंज 8 से जो एक कलेक्शन बनी थी उसका एक एक मेंबर जो है फॉर उसे आइट्रेट करता जाएगा, यानी बारी बारी एक एक उठाता जाएगा। और नीचे आप उसे प्रिंट करें, उसे मल्टीप्लाई करें, उसे ऐड करें, उस पे कोई इफ स्टेटमेंट लगाएं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आप उसका कोई भी यूजेज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो फॉर की बॉडी में है। अब ये मैंने एक नई बात कही, पहले मैंने कहा था कि उसकी इंडेंट कोड इंडेंट होना चाहिए, अब मैं कह रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज वो कोड जो है वो फॉर की बॉडी में है। एक्चुअली ये दोनों सेम बातें। तो जब भी मैं फॉर का कॉलन लगा के किसी स्टेटमेंट पे 3 स्पेसेस या एक टैब दबा देता हूँ तो इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट फॉर लूप की बॉडी का पार्ट बन गई है। जैसे अभी हारिस ने आपको हेलो वर्ल्ड और हेलो पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी थी, पहले हेलो वर्ल्ड फॉर लूप की बॉडी में था तो हेलो वर्ल्ड 10 दफा प्रिंट हुआ, लेकिन हेलो पाकिस्तान फॉर लूप की बॉडी में नहीं था क्योंकि वो इंडेंट नहीं था, वो सिर्फ 1 दफा प्रिंट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हमने जब हेलो पाकिस्तान को भी इंडेंट किया, यानी उसे फॉर लूप की बॉडी का पार्ट बना दिया, 3 स्पेसेस डाल के इंडेंट करके, तो वो भी फॉर लूप की बॉडी का पार्ट बन गया। फिर जब फॉर लूप चला तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आइटरेट हुई, यानी ये उतनी बार रिपीट हुई। तो फॉर लूप को हम पाइथन में फॉर लूप ज्यादा जो इसका इस्तेमाल है एज एन आइटरेटर ऑफ कलेक्शंस होता है। तो जो 90% से ज्यादा यूज आप पाइथन में फॉर लूप का देखेंगे। अच्छा, फॉर के साथ इन जरूर आना है, ठीक, ज़हन में रखें कि फॉर के साथ इन जरूर आना है। तो फॉर इन लूप भी आप इसे कह सकते हैं पाइथन में। तो फॉर इन लूप जो है ये पाइथन में इसका ज्यादा इस्तेमाल एज अ आइटरेटर ऑफ कलेक्शंस होता है। ये जानबूझ के मैंने मुश्किल लफ्ज का, तो फॉर लूप का ज्यादा यूज जो हम देखेंगे वो एज एन आइटरेटर ऑफ कलेक्शंस देखेंगे। कलेक्शन क्या थी, वो चारों चीजें थी, स्ट्रिंग भी कलेक्शन थी, और रेंज फंक्शन में जब आप कोई नंबर डालते हैं तो वो भी कलेक्शन बन जाता है, और फॉर लूप उन्हें आइट्रेट करता है, यानी एक एक चीज उनमें से उठाता जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमारी अंग्रेजी और फॉर लूप दोनों ठीक करा देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कि काफी अफाका हो गया हो। ठीक है, गुड हारिस, ओवर टू यू। मैंने कहा हारिस थोड़ा सा रेस्ट भी ले ले, बेचारा बोल बोल के थक गया। मूविंग ऑन, उसका शौक है सारा दिन काम ही यही करता है, वो बोलता है ऑफिस में काम क्या करता है ये, मैं जब भी कमरे में आता हूँ बेटा बोल रहा होता। चलो हारिस भाई। जी सर, ज्यादा था सर। चलाक हो गया लड़का, बाकी चलाक। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं लाहौर आ रहा हूँ। ओके सर, ओके मूविंग ऑन। आपको अभी ऊपर जो हमने रेंज फंक्शन बताया था, अब रेंज फंक्शन के अंदर ऊपर हमने वैल्यू दी है जस्ट 8, ठीक है। जब हम इसको सिंगल वैल्यू देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और n माइनस 1 उस वैल्यू से 1 लेस तक रुक जाए काम कर, ठीक है। बट अगर अब आप इसको कस्टम रेंज देना चाहते हैं अपनी मर्जी से कि तुम 2 से स्टार्ट हो 10 तक जाओ, 0 से स्टार्ट हो 3 तक जाओ, ठीक है, तो
अब आप उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दोनों दे सकते हैं, ठीक है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर एक बात मैं ये भी बता दूं कि फंक्शंस के अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप उनके अंदर अपनी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैरामीटर्स वैल्यूज जो फंक्शंस को चाहिए होती हैं वो दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सिर्फ 8 दे दी थी, तो ये चीजें हमने उसको बताई होती हैं। आगे चल के हम फंक्शंस में देखेंगे कि अगर एक वैल्यू मिल जाए तो तुमने क्या करना है, अगर तुम्हें दो वैल्यूज दे दें तो इसका क्या मतलब होगा, फिर तुमने क्या करना है, ठीक है, ये हमने उसको पहले से बताया होता है। और हम तीन वैल्यू भी बताएंगे ना। अभी हम तीन पर नहीं लेके जाएंगे ओके बच्चों। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये सेम काम जो ये एक जो आपके पास एक कलेक्शन जनरेट करेगा, ठीक है, और ये अब पहले जीरो से बाय डिफॉल्ट आ रहा था, अब क्या आएगा, वन से आएगा, और जो 6n-1 मतलब 5 पे जाके ये स्टॉप कर जाएगा। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 तक आपके पास जो नंबर्स हैं जो उसने कलेक्शन ऊपर बनाई थी वो डिस्प्ले कर देगा। अब आपके सामने एक ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बच्चों को लग रहा होगा, बट इसको भी हम आसान करके बता देते हैं। अब हो ये रहा है कि मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है, आपको ये बताया था कि लिस्ट के अंदर हर वैल्यू की एक पोजीशन होती है, हर जिसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है, हर वैल्यू की जो पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स। इट मींस के जीरो वैल्यू की पोजीशन क्या होगी, सॉरी 10 वैल्यू जो यहाँ पे फर्स्ट आइटम है इसकी पोजीशन होगी जीरो। तो आपके सामने ये जो आउटपुट है हम करवाना क्या चाह रहे हैं, सॉरी हम करवाना ये चाह रहे हैं कि हम जो हमारे पास लिस्ट है वो लिस्ट के आइटम्स भी प्रिंट करवा लें और उनकी पोजीशन को भी प्रिंट करवा लें। तो इस काम के लिए एक सिंपल सी लॉजिक ये लगाई कि पहले तो मैंने लिस्ट बना दी, लिस्ट को लिस्ट का वेरिएबल का नाम रख दिया। मैंने क्या किया कि मैंने फॉर आई इन रेंज मैंने देनी थी कि मैंने कितनी आइट्रेशन करवानी है, कब तक आइट्रेट करवाना है। तो मुझे आसानी यह है कि मेरे पास अगर लिस्ट बड़ी हो तो मुझे तो नहीं पता चलेगा कि कितने आइटम्स हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने ये किया कि मैंने अपनी लिस्ट पास की एक फंक्शन को बिल्ट इन, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेंथ का फंक्शन, उस लेंथ फंक्शन को मैंने पास कर दी। लेंथ फंक्शन क्या करता है ये मैंने आप लोगों के लिए नीचे एक सेपरेटली इसको लिखा हुआ है। लेंथ फंक्शन क्या करेगा कि अगर मैं उसको लिस्ट में पास करूंगा, उसको वो मैं लिस्ट दे दूंगा, तो वो मुझे उस लिस्ट के आइटम्स बता देगा कि 6 आइटम्स हैं। इट मींस कि मेरे पास एक वैल्यू आ गई, काउंट आ गया कि काउंट काउंट उसमें आ कितनी गया है। कि उसमें कितनी आइटम्स थे, वो मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं रेंज फंक्शन को पास कर सकता हूँ। तो अब आपके पास ये एक एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन चल रहा है। ये आपको दिखाने का पर्पस क्या है, ये हमने जाहिर है हमारी कोशिश तो है कि हम आपको आसान आसान चीजें दिखाएं, बट आसान आसान के साथ साथ हमने आप लोगों को मुश्किल चीजें भी थोड़ी सी दिखानी है कि ये चीजें भी होती हैं और इस तरीके से भी आप चीज को कर सकते हैं। तो अब वही बात है कि अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी पिक करते हैं और इसके साथ कितनी एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। मुझे ये 6 महीने बाद समझ में आया था। ठीक है सर, आप नालायक थे। नहीं आपको आप जैसा उस्ताद नहीं ना मिला था। मेरी बेसिक्स बहुत कमजोर थी। एक्चुअली ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई समझा रहा होता है ना, तो उस टाइम आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता या बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अचानक से कोई आपको रियल लाइफ ऐसी एग्जाम्पल आपके सामने आती है कि आप फौरन उसी कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर जाते हैं जाके कि अच्छा इस बात का तो ये मतलब अरे होता था। अचानक आपको कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो एग्जाम्पल अचानक से कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं और कनेक्ट होती है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि जो चीज आपका माइंड खुद से एनालॉजी के साथ किसी चीज को कनेक्शन कनेक्ट करने के बाद जो चीज सीखता है ना, वो सारी जिंदगी याद रहती है, बजाय उस बात के कि जो किसी ने आपको सिखाई है वो आप क्लास से बाहर निकलते हैं तो वो भूल चुके होते हैं, टीचर दोबारा पूछता है तो आप कहते हैं सर याद ही नहीं है, टीचर भी मायूस होता है और आपको भी बाद में शर्मिंदगी हो रही होती है। तो चीजों का जब आप इसलिए कहते हैं सेल्फ लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ लर्निंग में आपका माइंड खुद चीजों को
उनके साथ उनको ऑब्जर्व करता है, उनके उनको अंडरस्टैंड करता है, तो वो लाइफ टाइम आपके साथ चीजें चलती हैं। अब ये चीजें यहां मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने एक लिस्ट ली, उसको मैंने लेंथ फंक्शन में पास किया। लेंथ फंक्शन से मुझे फंक्शन को दोबारा एक्सप्लेन कर दो, LEN स्टैंड्स फॉर क्या करता है, LEN क्या होता है? LEN फंक्शन जो है हमारे पास, जो भी हम इसको स्टैंड्स फॉर की फुल फॉर्म बता दो इसको क्या लेंथ, LEN फंक्शन हमारे पास लेंथ को रिप्रेजेंट करता है फॉर लेकिन कलेक्शन में तो एक से ज्यादा चीजें होती है। अब वो एक से ज्यादा चीजें जो है वो 1 करोड़ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। अगर 10 है तो आप नजर से स्क्रीन पे देख के उन्हें काउंट कर ले, लेकिन अगर वो 1 लाख है तो क्या आप नजर से देख के उन्हें काउंट कर सकते हैं? नहीं, मुश्किल लगता। तो इसका मतलब है कि जो पाइथन लैंग्वेज के डेवलपर थे उन्हें आइडिया था कि बाज कलेक्शंस बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती हैं, तो उन्होंने एक बिल्ट इन फंक्शन बनाया जो कोई भी कलेक्शन एक्सेप्ट करता है, यानी कि आप उस फंक्शन को कोई भी कलेक्शन पकड़ा दे और उसे कहे चल भाई अब तू बता गिन के इसके अंदर कितनी आइटम्स पड़ी हुई हैं, तो वो क्या करेगा, वो फंक्शन आपसे एक कलेक्शन ले लेगा आपके बिहाफ पे, उसमें जितनी चीजें पड़ी हुई हैं वो सारी गिन के उनका काउंट जो के एक इंटीजर होगा वो आपको रिटर्न बैक कर देगा। ठीक है, तो लेंथ सिर्फ लिस्ट की नहीं होती, लेंथ टपल की भी होगी, सेट की भी होगी, इनफैक्ट स्ट्रिंग की भी होगी। ठीक है, तो जो भी कलेक्शन होगी उसकी कोई ना कोई उसमें नंबर ऑफ आइटम्स हैं, आप वो कलेक्शन LEN यानी लेंथ फंक्शन को एज अ इनपुट देंगे और वो आपको उसमें पड़ी हुई जितनी चीजें हैं उनका काउंट रिटर्न कर देगा, यानी उसमें कितनी चीजें उनका नंबर या काउंट वापस कर देगा। ओके जब हमारे पास ये जो हमने ऊपर एक कलेक्शन एक लिस्ट बनाई है इसका काउंट आ जाएगा, इसकी लेंथ आ जाएगी, तो वो वैल्यू जो यहाँ पे मैंने आपके सामने शो डिस्प्ले करवाई है कि वो हमारे पास इस चंक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद 6 वैल्यू आएगी, वो 6 वैल्यू डायरेक्टली पास हो जाएगी उसी वर्क रेंज फंक्शन को, और रेंज फंक्शन के अंदर जाके क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि मैंने अब आइट्रेशन परफॉर्म करनी है फ्रॉम 0 to 6। इट मींस जो डिजिट्स हैं बच्चों से पूछते हैं, अच्छा हमें ये बताएं कि ये जो रेंज फंक्शन है इसमें आखिरी वैल्यू क्या आएगी? मैंने बताया था n-1 तक होती है, तो कमेंट्स में जो देख रहे हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें बताएं कि ये जो रेंज फंक्शन है इसके ये रेंज फंक्शन कहां से लेके कहां तक रन होगा, यानी ये जो रेंज फंक्शन जो कलेक्शन बना रहा है उसका पहला इंटीजर या नंबर क्या होगा और उसका आखिरी इंटीजर या नंबर क्या होगा? आपके पास 10-15 सेकंड, देखते हैं आपको पता चलता है कि नहीं। अभी मैं ऑडियंस से नहीं पूछूंगा, पहले जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जरा अपने दिमाग पे जोर दें, सोचें कि इसमें जो कलेक्शन बन रही है इसे एक्सेप्ट करके लेंथ को वो किस नंबर से लेके किस नंबर तक होगी। जबरदस्त, बिल्कुल सही यार, ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगी, और वेरी राइट, क्योंकि हमने बताया था कि पाइथन में कलेक्शंस का जो इंडेक्स है यानी जो पहली वैल्यू है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, और इसमें हमने देखा था कि टोटल लेंथ 6 थी, तो ये जो रेंज है ये 0 से लेके 5 तक जो है वैल्यू रिटर्न करे, 0 से लेके 5 तक बाय द वे 6 आइटम्स बन जाती है, राइट? सो ये जो काउंट है वो बिल्कुल ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो आप 0 से लेके 5 तक काउंट करेंगे तो चीजें 6 बन जाएंगी। करेक्ट, जबरदस्त, बहुत आला, मतलब बच्चों को समझ आ रही है काउंट और लेंथ जो है उनका, लेंथ काफी क्लियर हो गया, रेंज भी क्लियर हो गया, गुड, वेरी गुड।
अब जब हम इसके ऊपर आइट्रेशन हमने उसको बता दी कि किस तरीके से परफॉर्म करनी है, अब हमने बताना है कि अब आइट्रेशन जो परफॉर्म करनी है उसके बाद टास्क है क्या असल में। अब आपने प्रिंट स्टेट प्रिंट फंक्शन लिया, उसके अंदर अब मैं दो वैल्यूज पास कर रहा हूँ, ठीक है। दो वैल्यूज में मैं क्या क्या पास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैंने उसकी इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, और उसकी जो आइटम्स हैं उसकी जो वैल्यू स्टोर्ड है उस कलेक्शन में, वो उस इंडेक्स के ऊपर वो भी जो है साथ डिस्प्ले करवानी है। तो मैंने पहले क्या किया कि मैंने आई जो उसकी इंडेक्स वैल्यू कलेक्शन में से लेता जा रहा था, क्योंकि हमने आगे रेंज का फंक्शन लगाया था, इसलिए मैंने पहले आई दे दिया, कॉमा कॉमा इसलिए लगाया, ये डिस्प्ले नहीं करेगा, ये सिर्फ सेपरेट करेगा कि आई एक सेपरेट वेरिएबल है, सेपरेट एंटिटी है, कॉमा सेपरेट हो गया। अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी, जो नेम आएगा, जो वेरिएबल लिखा होगा, वो एक सेपरेट एंटिटी है, माई लिस्ट, ठीक है। मैंने माई लिस्ट दिया और साथ जो स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा आए, ठीक है। अब ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, ये मैंने क्यों किया? अब ये मैंने इसलिए किया कि मैंने वैल्यू प्रिंट करवानी थी, ठीक है, किसकी? माई लिस्ट के अंदर मौजूद जो इस टाइम फर्स्ट आइटरेशन के ऊपर आई के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई थी, आई के अंदर जीरो था और लिस्ट के अंदर उस जीरो पोजीशन के ऊपर 10 है, तो मुझे 10 चाहिए था। 10 के लिए मैंने क्या किया कि मैंने लिस्ट वाला उसको सिंटैक्स दिया कि लिस्ट के लिए हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर जाओ और आई वाली पोजीशन के ऊपर, आई के अंदर अगर जीरो होगा तो जीरो वाली पोजीशन से वैल्यू आ जाएगी, आई के अंदर अगर टू होगा तो टू वाली पोजीशन से वैल्यू आ जाएगी। तो आई के अंदर हमारे पास जब जीरो होगा तो वैल्यू 10 है, वन होगा तो सेकंड वैल्यू 20 है। इसी तरीके से वो सारी वैल्यूज मेरे सामने, उनका इंडेक्स, उनकी पोजीशन और उनकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप डिक्शनरीज को भी आइट्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब डिक्शनरीज का, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो इस तरीके से है कि इसके अंदर पहले की आती है, देन आपके पास वैल्यू आती है। तो अब आपने पहले ये डिसाइड करना है कि मैंने अल्ट्रेशन किस चीज पे करवानी है। मैंने अल्ट्रेशन की पे करवानी है कि मुझे सारी कीज मिल जाएं या मुझे सारी वैल्यूज मिल जाएं। अब आप अगर कहते हैं कि जनाब मुझे पहले चाहिए वैल्यूज, आपने सिंपल सिंटैक्स फॉलो किया कि फॉर, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं वैल्यूज वैल्यूज, ठीक है, फॉर वैल्यू इन किस में, माय डिक्शनरी, माय डिक्ट, ठीक है, डॉट। अब आपको वैल्यूज चाहिए तो इसके लिए आपको फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन यूज करना पड़ेगा वैल्यूज का। आपने आगे उसको वैल्यूज का फंक्शन लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि डिक्शनरी के अंदर से जितनी वैल्यूज होंगी उनको लेगा और आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा जो आपने प्रिंट फंक्शन में दिया हुआ है। तो अब मैंने दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन है ऊपर, क्योंकि मैंने वैल्यू उसको चेंज किया था, इसी वजह से मैंने प्रिंट फंक्शन में भी उसको पास कर दिया, उसको चेंज कर दिया। तो एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि फॉर वैल्यू ये रिप्रेजेंटेशन है, ये नाम आप अपनी आसानी के लिए कोई भी रख सकते हैं, इन ये सिंटैक्स का पार्ट है, ये आएगा, रिजर्व वर्ड है, और आपने वो डिक्शनरी देनी है। आप वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं तो आपने आगे वैल्यू का फंक्शन यूज करना है, कॉलन लगाया और आगे इंडेंटेशन के बाद प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने वो वैल्यू को पास कर दिया। अब आपके पास डिक्शनरी में वैल्यूज कौन कौन सी हैं, फोर्ड, मस्टैंग और उनका ईयर, यहाँ पे आपके पास उनकी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। अब मुझे कमेंट्स में बच्चे ये बताएं कि यहाँ पर ईयर दो दफा लिखा हुआ है और उनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, बट जब मैं डिस्प्ले करवाता हूं तो वो सिर्फ 2020 शो होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने चीज डिस्कस की थी, तो अब हमें कमेंट्स में बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
ओके जी, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है। आगे आपने पाइथन में जो भी करना है इस बिल्डिंग ब्लॉक से आपका बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ेगा। तो इनफैक्ट इस पे आप कंसंट्रेशन से तो जो हम इसको अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगली बार मैं इरफान से रिक्वेस्ट करके जो है ना इसका रिकैप जो है वो दोबारा भी करूँगा, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये है कि आप एक पाइथन में अपने फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि हमने पाइथन के डिफाइंड फंक्शन यूज़ किए, जैसे आपने प्रिंट का फंक्शन देखा, आपने रेंज का फंक्शन देखा, आपने लेंथ वाला जो len फंक्शन था वो देखा। तो ये सारे फंक्शन आपको पाइथन ने दिए थे, लेकिन आप अपने फंक्शन भी बना सकते हैं पाइथन में और उनसे आप जो काम लेना चाहें वो ले सकते हैं। अपना फंक्शन बनाने का फायदा ये है कि एक काम मैंने 50 जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह करना है, बजाय ये कि मैं वही कोड जो 50 जगह रेप्लीकेट करूं, मैं एक फंक्शन बना दूंगा 50 जगह वो फंक्शन कॉल कर दूंगा। तो फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो विदाउट फर्दर अड्यू मैं हारिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शन पे लेके चले और लेट्स सी हाउ दिस वर्क। जैसे कि सर ने अभी आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है उसके पीछे वो बताया, कि हमने कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, अब हमने एक दफा उसका कोड लिख दिया, अब हमें सर्टेन लाइंस ऑफ कोड के बाद हमें दोबारा वो फंक्शनैलिटी यूज करनी पड़ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि क्या हम एक तो अप्रोच ये है कि वही लाइंस ऑफ कोड हम वहां से कॉपी करें और दोबारा नीचे पेस्ट कर दें और उसको दोबारा रीयूज कर दें। ये एक अच्छी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आपका जो कोड है उसमें जो रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि एक जो चीज आपने एक दफा बना ली है उसको आप दोबारा इस तरीके से बनाएं कि आपको अगर दोबारा जरूरत पड़े तो वो सिर्फ आप एक फंक्शन जो आपने बना दिया उसके लिए उसको कॉल करें, उसका नाम लिखें और वो दोबारा से यूज हो जाए। जैसे हमने रेंज का फंक्शन यूज किया, अब हमें दोबारा उसको हर चीज बताने की तो जरूरत नहीं पड़ी, हमने लाइन ऑफ कोड तो नहीं लिखा, हमने सिर्फ ये बताया जनाब ये रेंज है, रेंज का फंक्शन है और उसमें मैंने वैल्यू डाली है जस्ट, और वो यूज हो गया। आपको नहीं पता बैक एंड पे क्या हो रहा था, उसको किस तरह बनाया था, कितनी लाइंस लिखी थी, क्या किया था, आपने सिर्फ लिखा और यूज हो गया। तो इसी तरीके से आप भी इस तरह के अपने अपनी मर्जी से फंक्शंस बना सकते हैं कोड के अंदर, कि जो जिस तरह का कोड आपका रिक्वायर्ड है उस तरह का फंक्शन बनाए और उसको बार बार यूज करते जाए। तो फंक्शन की बेसिक आपको चीज पता चल गई और अब इसमें जरा क्विकली आप आगे मूव करते हैं, फंक्शन का जो सिंटैक्स है उसको देख लेते हैं। अब पाइथन के अंदर जिस तरह आपने पहले भी कोई चीज़, अगर आपने इफ स्टेटमेंट यूज करनी होती थी तो आप उसका रिजर्व वर्ड यूज करते थे इफ का, फॉर लूप यूज करते थे फॉर का रिजर्व वर्ड यूज करते थे, इसी तरीके से जब आपने एक फंक्शन बनाना है तो आपने उसको बताना है कि मैं एक फंक्शन डिफाइन करने लगा हूं, तो मैं उसकी डेफिनेशन बताने लगा हूं, तो डेफ का रिजर्व वर्ड आपने यूज करना है def। अब जब आप जैसे ही def का रिजर्व वर्ड यूज करेंगे तो उसके बाद पाइथन आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि अब आप उसको एक नाम देंगे। वो नाम क्या होगा? वो नाम उस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो आप बनाने लगे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन नेम आपको सिर्फ सिंटैक्स समझाने के लिए लिखा हुआ है, नाम इधर कुछ भी हो सकता है और उसके आगे आपने पैरेंथेसिस यूज करनी और कॉलन आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉलन आपने लगाया है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कॉलन क्या करेगा। ये कॉलन ये करेगा कि इसके बाद जो चंक ऑफ कोड आएगा, जो लाइंस ऑफ कोड आएंगी वो इंडेंटेड होंगी, वो थ्री स्पेसेस के बाद आएंगी। वो क्यों आएंगी? वो इसलिए आएंगी कि ये जो फंक्शन आप बनाने लगे हैं इसकी जो ये कहां तक किन लाइंस ऑफ कोड को यूज करेगा, ये जो जो इस कॉलन के फौरन बाद वेरी नेक्स्ट इंडेंटेड, चाहे वो 100 लाइंस इंडेंटेड हो, वो उन 100 की 100 को एज अ फंक्शन कंसिडर करेगा, ये कि ये फंक्शन का पार्ट है
और जब भी वो फंक्शन यूज होगा तो वो सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, फंक्शन की बॉडी का पार्ट बन, बिल्कुल बॉडी का पार्ट होगा। तो सिंटैक्स में एक दफा क्विकली रिपीट कर दूं कि आपने डेफ का कीवर्ड यूज करना है, आगे फंक्शन का नाम बताना है। मैंने इधर लिख दिया माय फंक्शन, पैरेंथेसिस लगा दी, और आगे मैंने फंक्शन से सिर्फ छोटा सा काम कराया कि प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है ये फंक्शन में से हो रही है, तो इसको आपको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं हुई, कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि आपने तो बस उसको भी ये बताया है कि ये फंक्शन है और ये काम करेगा, बट आपने उसको ये नहीं बताया कि अब तुम काम करो। उस फंक्शन को आपने यूज नहीं किया, अभी सिर्फ बनाया है, तो इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट हो गया और आपके सामने कोई डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि प्रिंट स्टेटमेंट तो यूज हो रही थी लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हुई, अभी ये सिर्फ फंक्शन बना है। अब कॉलिंग, जब आप फंक्शन को यूज करते हैं तो उसका स्पेसिफिक एक टर्म यूज करते हैं कि फंक्शन को कॉल करना है, कॉलिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो ये अब आपने जहन में रखनी है, इस चीज को अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें लेके आना है कि आप जो प्रोग्रामिंग कन्वेंशंस के हिसाब से वर्ड्स हैं वो यूज करें। तो यहाँ पे मैंने सेम फंक्शन था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने इसको कॉल करना है, कॉल करने के लिए जस्ट मैंने फंक्शन का नाम लिखा और मैंने पैरेंथेसिस लगा दी जो एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अब मेरे पास डिस्प्ले होगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। इसके बाद अब आगे चलते हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के ऊपर हमारी थोड़ी सी पहले से डिस्कशन हुई हुई थी, लेकिन अब इसको आपको मजीद बता देते हैं कि आर्गुमेंट्स क्या है। आर्गुमेंट्स आपके पास वो वैल्यूज हैं जो आप फंक्शन को देते हैं ताकि वो फंक्शन उन पर कोई एक्शन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट दे दे। अब ऊपर मैंने इसको वैल्यू मैंने नहीं दी थी, वो इसलिए मैंने कोई वैल्यू इन पैरेंथेसिस में पास नहीं की कि मेरे फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे उसका कोई यूज नहीं करना था किसी वैल्यू का, इसलिए मैंने सिंपल पैरेंथेसिस लगाई थी। और जब मैंने फंक्शन भी कॉल किया है तो वो सिंपल मैंने जो ब्रैकेट्स हैं वो मैंने यूज किए हैं, पैरेंथेसिस यूज किए हैं। लेकिन अब आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो क्या काम करेगा, सिंपल से काम करेगा, दो वेरिएबल्स की वैल्यू लेगा, दो वेरिएबल्स की वैल्यू लेगा, उनको ऐड करेगा और आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। मैंने फंक्शन डिफाइन किया, डेफ का कीवर्ड यूज किया, मैंने नाम, अब आपने नेमिंग कन्वेंशन क्या रखनी है। नेमिंग कन्वेंशन का सिंपल सा एक रूल है कि आपने वो नाम रखना है कि जो कोड लिखने के एक महीने बाद अगर आप उस कोड को देखें तो आपको वो खुद भी याद आ जाए कि ये फंक्शन क्या करता था, और अगर आप ना देख रहे हो कोई और भी देखे तो उसको भी समझ में आ जाए कि ये फंक्शन क्या काम करता है, उसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड आपने उसका नाम रखना है। तो ऐड, ये नंबर्स को ऐड करा था, मैंने इसका नाम ऐड नंबर्स रख दिया। अब पैरेंथेसिस में मैंने क्या किया कि मैंने दो वैल्यूज लिखी हुई है, एक मैंने लिखा हुआ ए सेपरेटेड बाय कॉमा और बी। अब कॉलन लगा दिया, उसके बाद मैंने आगे वेरिएबल लिखा इसमें सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहां पे मैंने स्टेटमेंट लिख दी रिटर्न सम। मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को बता दिया कि तुम्हारे पास यूजर आएगा, वो तुम्हें ए एक वैल्यू देगा, बी दूसरी वैल्यू देगा, तुमने क्या करना है ए को प्लस का साइन डाला हुआ है, सम कर देना है, ए और बी की वैल्यू को जमा कर देना है, ऐड कर देना है, और किस में स्टोर करवा देना है, सम के वेरिएबल में, और क्या करना है उस सम के वेरिएबल को रिटर्न कर देना है, मुझे वापस कर देना है, मुझे दे देना है जो भी उसमें आएगा। तो जब उसको अब कॉल करते हैं, कॉल करते हुए आपने सिंपल क्या किया, आपने एड नंबर्स, एड नंबर्स का फंक्शन जो आपने ऊपर बनाया था वो फंक्शन का नाम लिखा। अब आपने फंक्शन बनाते हुए बताया था कि जनाब आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, तो अब आपने दो वैल्यूज देनी है, एक वैल्यू दे दी 5, एक वैल्यू दे दी 3। उसने क्या किया कि उसका जो रिजल्ट आया, मैंने उसको सिंपल एक कन्वेंशन क्या की कि मैंने आगे वेरिएबल में स्टोर करवा दी। ठीक है, आप उसको डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो मैंने वेरिएबल में स्टोर कराया, आगे मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी प्रिंट करते हुए द सम इज, और वेरिएबल मैंने पास कर दिया। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि मैंने इधर क्या लगाया है, कॉमा, सेपरेट किया है दो एंटिटीज को, कि पहले वाला मैसेज जो स्ट्रिंग का था वो सेपरेट रहे और जो आगे वेरिएबल है वो डिस्टिंग्विश हो जाएगा, ये वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी,
जब मैं इसका एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट आ रही है द सम इज 8। तो यहाँ पे आपने एक चीज ये भी देखनी है कि जब आप सिंपल आउटपुट को प्रिंट करते हैं तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आप वैल्यू जो आपके पास आंसर आ रहा है वो प्रिंट करा लें, उस आउटपुट को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेबल भी बनाते हैं ताकि जो व्यूअर है जो देखने वाला है उसको भी समझ में आ जाए कि जो आउटपुट आ रही है वो क्या है। ठीक है, अब थोड़ी सी डिस्कशन ये कर लेते हैं कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। इसमें मैं बात करूं? जी जी सर, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। अच्छा, ये ना बड़ी आसान सी बात है, जब हमने फंक्शन डिफाइन किया था ना, जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्ट कर सकूं तो इस जगह पे मैंने इसे मैं दो वेरिएबल्स दिए थे ए एंड बी, इन्हें आपने समझना है कि ये प्लेस होल्डर। जब आप यूजर एक फंक्शन डिफाइन करता है तो उस फंक्शन ने कोई इनपुट बाहर से लेनी होती है, उस इनपुट पे कोई यूजफुल काम करना होता है, फिर जो यूजफुल काम या किया है उसने वो रिटर्न करना होता है। जैसे ये फंक्शन क्या यूजफुल काम कर रहा है, इनपुट के तौर पे दो इंटीजर ले रहा है, उन्हें सम कर रहा है और उनका सम रिटर्न कर रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो ए और बी हमने इधर लिखे हैं ये सिर्फ प्लेस होल्डर्स है, यानी कि ये खाली डब्बे हैं। जब फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त जो वैल्यू देंगे वो इन खाली डब्बों में आ जाएगी, वो खाली डब्बों में से वैल्यू आएगी, वो सम होगी और जवाब निकल आएगा। तो इसका मतलब है कि जो प्लेस होल्डर है उसे हम एक नाम देते हैं, जैसे पी से प्लेस होल्डर है, इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स, प्लेस होल्डर पैरामीटर। यानी जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो जब मैं खाली वेरिएबल्स या प्लेस होल्डर्स डाल रहा हूँ डिफाइन करते हुए, उन्हें हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं ये फंक्शन के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने प्लेस होल्डर पैरामीटर दोनों पी से स्टार्ट होते हैं तो आपने जेहन में रखना है कि ये जो पैरामीटर है ना ये प्लेस होल्डर है और ये हेल्प करते हैं फंक्शन को कि वो बाहर वाले कोड से इनपुट ले सके, उस इनपुट को प्रोसेस करके जवाब निकाल सके और फिर वो जवाब रिटर्न कर दे। तो पैरामीटर हमारे क्लियर हो गए। लेकिन अब आप नीचे अगर देखें तो हारिस ने कहा है कि रिजल्ट इज इक्वल टू एड नंबर और उसमें उसने दो वैल्यूज पास की। अब ये 5 और 3 प्लेस होल्डर नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं जो ये प्रोग्राम ऐड नंबर को दे रहा है। यानी कि प्रोग्राम कह रहा है भाई ऐड नंबर ये दो नंबर है, इन पे तुमने जो यूजफुल काम तुम्हें आता है ना, यानी तुम नंबर ऐड कर सकते हो, वो काम करो और मुझे जवाब बताओ। तो अब फंक्शन ने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज लेनी है, इनका सम करके यानी इनको ऐड करके वापस करना। तो कॉल करते वक्त जो आउटसाइड डेटा हम फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, डिफाइन करते हुए जो प्लेस होल्डर्स रख रहे हैं उन्हें कहते हैं पैरामीटर्स, और फंक्शन कॉल करते हुए आउटसाइड से जो वैल्यूज दे रहे हैं फंक्शन को उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो फर्क आपने ज़हन में रखना है, पैरामीटर फंक्शन डिफाइन करते वक्त प्लेस होल्डर्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वो एक्चुअल वैल्यूज हैं जो फंक्शन जब कॉल होता है तो एज अ इनपुट रिसीव करता है, प्लेस होल्डर्स में रख देता है और उन पे काम करके आपको जवाब वापस करता है। मेरा ख्याल है कि ये चीज अब कुछ क्लियर हो गई और हमने इसी चीज को टेक्स्चुअल फॉर्म में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन रहती है तो इसको आप पढ़ें और अंडरस्टैंड आप होपफुली कि ये चीज़ बड़ी इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो इसी तरीके से आगे आपके पास एक फंक्शन बनाया हुआ है, पर्पस ये है कि आपको दिखाया जाए कि फंक्शन के अंदर आप कोई भी चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन मैंने बनाया माय फंक्शन, उसको मैंने एक नाम दे दिया, जस्ट उसको मैंने एक वेरिएबल दे दिया। अब वो जो पैरामीटर है, ये जो फूड का पैरामीटर है, ये अब ये कुछ भी हो सकता है, ये सिंगल वैल्यू हो सकती है, ये कलेक्शन हो सकती है। ठीक है, मैंने अंदर उसमें डिफाइन कर दिया, डिफाइन क्या किया कि जब भी तुम्हारे पास कोई
वैल्यू इस पैरामीटर के अगेंस्ट कोई कोई भी चीज आएगी, कोई भी नंबर आएगा, कोई भी कलेक्शन आएगी, तुमने क्या करना है उसके ऊपर लूप अप्लाई कर देना है, फॉर लूप अप्लाई कर देना है। किसके ऊपर? फूड पैरामीटर था, उसी पैरामीटर को मैंने आगे दे दिया फूड, ठीक है। और क्या कर देना है? उसको प्रिंट करवा देना है। मैंने क्या किया कि आगे चल के मैंने वही जो ऊपर हम स्ट्रिंग एक लिस्ट यूज कर रहे थे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, उसको मैंने ये फंक्शन को दोबारा कॉल किया। उस फंक्शन को कॉल करते हुए, क्योंकि मैंने पैरामीटर जो फंक्शन डिफाइन करते हुए पैरामीटर दिया हुआ था कि मेरे पास कोई भी वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल या कोई आ सकती थी। अब यहाँ पे आपने कॉमन सेंस ये रखनी है कि देखें, जब आप यहाँ पे लूप अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली कलेक्शन ही आनी चाहिए, ठीक है। तो कलेक्शन के लिए मैंने कलेक्शन के लिए आपके पास एक लिस्ट पास कर दी। वो लिस्ट अब क्या करेगी? वो लिस्ट यहाँ पे फूड की जगह, वो जो फूड वाला एक बॉक्स था, एक प्लेस होल्डर था, वहां पे वो लिस्ट की तमाम वैल्यूज आ जाएंगी, डंप हो जाएंगी, और फंक्शन के अंदर जो लूप लगा हुआ है वो लूप उस पर आइटरेट कर देगा। आइटरेट करने के बाद क्या करेगा? आपने बताया हुआ प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंट कर देगा। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूशन के दौरान बाद उसने हमें क्या दे दिया? एप्पल, बनाना एंड चेरी, जो लिस्ट के अंदर आइटम्स मौजूद थे। अच्छा, यहाँ ऊपर जाए, मैं ऑडियंस से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये जो सेल हमें नजर आ रहा है, इसमें मुझे बताएं पैरामीटर कौन है और आर्ग्यूमेंट कौन है? वेरी गुड। हमारे व्यूअर्स जो है वो हमें मैसेज में बताएं कि इस सेल के अंदर पैरामीटर कौन है और आर्ग्यूमेंट कौन है। वेरी गुड, फूड पैरामीटर है, छा गए आप, और फूड पैरामीटर है, फ्रूट आर्ग्यूमेंट है। एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी बात है। जो चीज आप डिफाइन करते हुए प्लेस होल्डर के तौर पे नाम देते हैं वो पैरामीटर होता है। जब आप फंक्शन कॉल करते वक्त एक्चुअल प्रोग्राम का डेटा देते हैं फंक्शन को, वो आर्ग्यूमेंट होता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आगे आते हैं रिटर्न वैल्यूज के ऊपर। रिटर्न की जो हमने वर्ड है, रिजर्व वर्ड, वो हमने ऊपर भी यूज किया था, ये आपके सामने मैंने किया था। अब उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिटर्न का पर्पस बेसिकली क्या है। रिटर्न, अगर तो आप उस कोई फंक्शन आप डिफाइन करते हैं बट उसमें आपने सारी कमांड्स बता दी हैं, ठीक है, वो उनको एग्जीक्यूट कर देगा। बट अब आप फंक्शन से कोई स्पेसिफिक वैल्यू, कोई स्पेसिफिक चीज गेट करना चाहते हैं, रिटर्न उससे चाहते हैं कि वो आपको दे। अब रिटर्न का जो रिजर्व वर्ड है वो स्पेसिफिकली यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ तो क्या किया कि छोटी सी एग्जांपल रखी है कि मेरे पास यूजर कोई भी एक फंक्शन बनाया कि यूजर मुझे कोई भी एक नंबर देगा। वो क्या करेगा फंक्शन मेरा, कि मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो मैंने आपके सामने डिफरेंट जो आर्ग्यूमेंट्स के साथ फंक्शन को कॉल किया हुआ है और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर पास किया हुआ है, और वो आपके सामने जो आंसर्स हैं उसके वो डिस्प्ले करवाता जा रहा है। इसी तरीके से आगे अब आपके सामने जो हमने पैरामीटर की बात की थी कि पैरामीटर एक एम्प्टी प्लेस होल्डर है, आप क्या कर सकते हैं कि उस एम्प्टी प्लेस होल्डर के अंदर एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह रेंज का फंक्शन अभी आपने ऊपर यूज किया था, तो वहां पे आपने सिर्फ एक वैल्यू दी थी 8, बट फंक्शन को पता चल रहा था कि अगर मुझे एक वैल्यू मिली है तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने 0 से 7 तक जाना है। तो पैरामीटर्स में आप ये चीजें डिफाइन कर देते हैं कि अगर तुम्हें यूजर कोई वैल्यू ना दे तो तुमने क्या करना है। दो चीजें होंगी, अगर आपने बताया होगा तो वो काम कर देगा, नहीं बताया होगा तो वो एरर जनरेट कर देगा कि मुझे वैल्यू दे दें। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक पैरामीटर ऊपर बनाया नेम का, ठीक है, नेम का, बट मैंने क्या किया इज इक्वल टू, आगे मैंने स्ट्रिंग दे दी। वो स्ट्रिंग क्या करती है, उसके अंदर एक जो स्ट्रिंग है वो इस पैरामीटर को असाइन हो जाएगी एज अ डिफॉल्ट वैल्यू, कि अगर यूजर ने फंक्शन कॉल करते हुए कोई वैल्यू पास ना की तो ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट वो फंक्शन यूज कर लेगा। तो प्रिंट हेलो है और आगे जो वर्ड है वो प्रिंट होना है कौन सा वाला, यूजर वाला। तो ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन करने के बाद फंक्शन को कॉल किया। अब इस फंक्शन की दो कॉलिंग्स हो रही है, एक दफा कॉल हो रहा है विदाउट एनी आर्गुमेंट, एक दफा कॉल हो रहा है विद आर्गुमेंट्स। तो अब इसको जब एग्जीक्यूट करते हैं तो फर्स्ट वाली एग्जीक्यूशन जिसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं थे वो हेलो वर्ल्ड, तो वो विदाउट आर्गुमेंट वाली आपके पास हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसने ले ली जो हमने दी थी, और अगर हम उसको कोई स्ट्रिंग पास कर देंगे तो वो स्ट्रिंग को आगे प्रिंट करवा देगा।
सो ये आज का लेक्चर था, और इसके हवाले से जैसा सर ने कहा है कि एक आपको एक वीडियो भी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, तो जो बच्चे कल आपने आरएस 9 बजे आना है और 9:30 तक 9:45 जैसे भी आपका टाइम रखना, आप 9 बजे आ जाते हो, वीडियो रिकॉर्ड करना। दानिश अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो 11:30 बजे तक वीडियो जो है ना वो पोस्ट हो जाए, जिसके अंदर दानिश उसको एक्सटेंसिव अपना आरएस उसको एक्सटेंसिव वीडियो बना दो, डॉक्टर साहब से अप्रूवल ले लेना। और कल के लेक्चर से पहले ना हम लिटरली आगे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं कल अनाउंस करूंगा कि जो एडवांस प्रोग्रामिंग वाले बच्चे हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं वापस। तो जो लोग अभी सुन रहे हैं वो करें। और आपको लग रहा है कि टफ टाइम है यार, 1.5 घंटा बड़ा टफ था। टफ टाइम तब होता है कि जब ज़िंदगी में आपको ज़रूरियात होती हैं और उनको पूरा करने के लिए जेब में पैसे नहीं होते। टफ टाइम तब होता है कि जब माँ बाप के साथ खड़े होने के लिए आपकी आपके पास इतनी औकात नहीं होती। पार्डन में लैंग्वेज बट होता है कि माँ बाप को जरूरत होती है और आप कुछ कर नहीं पा रहे होते, बच्चों को जरूरत होती है आप कुछ नहीं कर पा रहे होते, कम्युनिटी को जरूरत होती है आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो ज्यादा टफ टाइम होता है। ये जो 1.5 घंटे के बाद छुट्टी मांगने वाले लोग हैं ना, तो यार ये आया ही ना करें, क्योंकि आप ये सोचा करें कि डॉक्टर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठा क्या करूँ। आपको लगता है मैं पाइथन सीख रहा हूँ? डू यू थिंक सो कि मैं पाइथन सीख रहा हूँ? ये डॉक्टर साहब बैठ के यहाँ पाइथन सीख रहे हैं, आरएस यहाँ बैठ के पाइथन सीख रहे हैं। चलो मानते हैं वीडियोस चल रही हैं, हम उठ के चले जाते, मैं भी उठ के चला जाता, डॉक्टर साहब भी उठ के चला जाता, आरएस को कहते आरएस बेटा पढ़ा के आ जाना। हम यहाँ क्या कर रहे हैं बैठे हुए कि यार वैल्यू ऐड कर सकें। हर बंदा अपना रोल प्ले कर रहा है, डॉक्टर साहब चीज़ों को आसान करने में लगे हुए, मैं यहाँ बैठ के कमेंटिंग कर रहा हूँ, लिटरली क्लैरिकल काम कर रहा हूँ, और 1.5 घंटा आप लोगों को भारी लग रहा है? मजाक है यार कोई? लिटरली हम पेड टीचर नहीं है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है थोड़ा सा इन चीज़ों को देख के ना, कि जब आप नॉन सीरियस लेते हैं। आई डोंट वांट पीपल लीव द क्लास, ना आया करें, मुझे नहीं चाहिए, पर कमेंट में दूसरों को डिस्करेज ना किया करें। आई विल फाइंड द पीपल एंड बैन एवरीवन जिनको 1.5 घंटा ज्यादा लगता है, क्योंकि वो जाएं और सीधा जाके ना मार्क ज़करबर्ग से बात करें। दिस इज वेरी सीरियस फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज वेरी वेरी सीरियस फॉर द एंटायर कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीखेंगे, आप लोग सीखेंगे ना एक दिन, आपको मेरी बातें समझ में आएंगी, जिसको आज बुरी लग रही होंगी आपको समझ में आएंगी कि यार कोई डांटता था तो सही डांटता था। तो 1.5 घंटा कुछ भी नहीं होता, अगर ये मैसेजेस ना आते ना तो हमने 1/2 घंटा और निकाल देना था। हम बैठे हैं, थक जाते हैं, मुझे पता है डॉक्टर साहब 9 बजे आते हैं और अभी भी नहीं जाएंगे, इनके काम होंगे। हारिस बैठा 9 बजे आता है यार, 9 बजे 9:15 हो रहे हैं, 12:30 घंटे हो गए हारिस को ऑफिस में, 12:30 घंटे, और उसकी एनर्जी लेवल देखें, और उसको जरूरत भी नहीं है जॉब की, और उसको पाइथन की भी जरूरत नहीं है, उसके इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। पीछे बच्चा आ रहा है वीडियो एडिटिंग वाला, साथ में वकास भाई बैठे हुए, ये सुबह से आप लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं। ट्रस्ट मी यार, शो सम वैल्यू। एनी हाउ बहुत से लोगों ने इंजॉय किया और मजा आया, रिस्पॉन्स देखा, सारा कुछ, दैट्स वेरी नाइस। सर इसमें मैं एक चीज़ मज़ीद ऐड कर दूं कि ये जो हमने आज काम किया है इसकी असाइनमेंट हमने ऑलरेडी बना दी है, तो वो कुछ ही देर में आपके साथ वो भी शेयर हो जाएगी, उसका सबमिशन जो फॉर्म है वो भी शेयर हो जाएगा, तो जिनको तो समझ आ गई है वो हमें जो है ना वो सबमिट करवा सकते हैं। बाकियों के लिए सुबह इंशाल्लाह अर्ली हमारी कोशिश होगी कि वो वीडियो पोस्ट हो जाए, ताकि आप लोग भी जो है वो असाइनमेंट को भी अटेम्प्ट करके तो जो है वो सबमिट करवा दें। ठीक है इंशाल्लाह। सो कल जो है हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस, और अपना कीमती वक्त आप लोगों ने दिया, मैं इसका मशकूर रहूंगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और कोशिश मैं कल ये करूंगा कि हम लोग आगे बढ़ें। और प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कल जब लेक्चर अपलोड होगा, मैं एडवांस में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एज ए टीचर, कल जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे उसको शेयर करके सब तक पहुंचा दें, ताकि जब क्लास स्टार्ट हो तो मुझे एक भी कमेंट नजर ना आए जो ये कह के सर हमें तो पता नहीं था लेक्चर कहाँ था। एक भी कमेंट नहीं होना चाहिए, अगर है तो सबके जिम्मेदार हम होंगे, वो ना लायक तो होगा ही होगा ना जिसने देखा नहीं, हम भी होंगे, ठीक है? सो प्लीज मैं एडवांस में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ, कल आई विल सी कि जब हम मेहनत करके सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर रिकॉर्ड करके डालेंगे, आप मुझे किस तरह से सपोर्ट करोगे। वी हैव टू वर्क लाइक ए टीम, हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं नहीं, हम कुछ करने आए, हमें आपकी जरूरत है, हमारे साथ खड़े हो जाएं, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू हारिस, थैंक यू दानिश, थैंक यू वकास, और थैंक यू वो लोग जो आज कमरे में नहीं बैठे हुए, इनके तो मैं आके मुलाकात करता हूँ।